कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में बरेली एस्ट्रो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं तुला राशि नवंबर 2018 में किस प्रकार से रहने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको ऐसा कुछ बताऊंगा इस एडिशन में कि जिससे कि आपको जितनी भी शिकायतें हैं वो सभी दूर हो जाएंगी और आपको आज तक इस तरीके का किसी ने भी वीडियो बनाया नहीं होगा, मैं ऐसा आपको कहता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे चैनल को बड़े ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। यदि आपको कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आस्क दी क्वेश्चन में आप आकर कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब आपको संडे के एडिशन में, संडे नाम से एक वीडियो आएगा मेरा जिसमें मैं सारे कमेंटों का आपको जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम तुला राशि नवंबर 2018 के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं कैरियर और मित्र से। कैरियर और शिक्षा के लिए दोस्तों आपका इस समय बहुत उत्तम समय रहने वाला है। कैरियर के लिए आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं आपकी कैरियर ऊंचाइयों पर जाने वाली है। कैरियर के लिए ये समय उत्तम, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा समय आपका कहा जाएगा। और बात करते हैं शिक्षा की, तो दोस्तों शिक्षा के लिए आपके द्वारा किए जा रहे कार्य अच्छे हैं, परंतु थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ उपाय। तो उपाय कुछ इस प्रकार से हैं, यदि आपको शिक्षा में अच्छा कुछ करना है और आप तरक्की चाहते हैं और उसमें सफलता भी चाहते हैं, तो मेरे प्यारे मित्रों आपने माँ सरस्वती को कमल का फूल चढ़ाएं तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि ये संभव ना हो, जैसे शहरों में कमल का फूल नहीं मिलता, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, माँ सरस्वती का एक चित्र लगाइए, उसके आगे आप धूप बत्ती को लगाइए और सरस्वती माँ का कोई भी मंत्र का आप उच्चारण करके आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपके बिजनेस, स्टॉक और प्रॉपर्टी से संबंधित। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें तरक्की होने वाली है, 100 के 200 होने वाले हैं ये आप मान के चलिए। प्रॉपर्टी की बात है जहाँ तक दोस्तों, तो प्रॉपर्टी इस समय बेचने का अगर विचार कर रहे हैं तो उसको आप त्याग दीजिए, इस समय पर आपका समय उचित नहीं है। कुछ समय बाद आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक की, तो स्टॉक के लिए यह समय बहुत उत्तम है। इस समय इन्वेस्टमेंट कीजिए, नई प्रॉपर्टी खरीदिए तो जरूर, पर पुरानी प्रॉपर्टी बेचिएगा मत। स्टॉक में आप अच्छा करेंगे इस समय पर, ऐसी आपके ग्रह चाल दिखाते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो दोस्तों स्वास्थ्य आपका यहाँ पर ठीक ठाक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत आती भी तो नज़र नहीं आ रही है, पर बड़ी आँख के अंदर समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। इन्फेक्शन होने की संभावना है, पेट दर्द से आप इस बार थोड़ा सा ग्रसित हो सकते हैं। तो उसके लिए एक उपाय है दोस्तों, आपने जो भी जल पीना है वो तांबे के लोटे में रखकर पीजिए, जिससे कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर ना पड़े। हो सके जहाँ तक संभव हो फिल्टर पानी का उपयोग कीजिए, आरओ पानी का उपयोग कीजिए, जिससे कि आपके पेट के सभी तरीके की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप तांबे के लोटे में पानी रखकर उसको पीते हैं तो और सर्वोत्तम हो जाएगा। और अगर ओम चंद्रमसाय नमः का जाप करके आप 108 बार ऐसा जाप करके और पानी को अभिमंत्रित करके एक जल पात्र में इकट्ठा करके रख लीजिए, जिससे दिन भर आपको पीना है उसके अंदर आप ओम चंद्रमसाय नमः, ओम चंद्रमसाय नमः का जाप करने से 108 बार करने के बाद में आपने उसे अभिमंत्रित मंत्र के द्वारा जो जल है उसको आप ग्रहण करें तो आपको इस तरीके की किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दोस्तों मैं आपको उपाय भी देते जा रहा हूं, तो अगर आपने वीडियो स्किप करा या छोड़ दिया बीच में तो आपको उपाय नहीं मालूम पड़ेंगे, आपका ही नुकसान है, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके रिश्ते और प्यार की, तो रिश्ते इस समय अच्छे आने वाले हैं। आपकी शादी ब्याह होने वाली है तो आप उसको रिश्ते को ले सकते हैं। प्यार की जहाँ तक की बात है तो डेट पर आप जा सकते हैं, डेटिंग में कर सकते हैं, आप प्यार मोहब्बत में भी कामयाब होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परिवार और मित्र की, तो आपका परिवार यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार आपको समझदारी से सही रास्ते पर चलने का रास्ता दिखाएगा, बजाय कि आप किसी मित्र से आप सलाह लें, आप अपने परिवार वालों से यदि आप सलाह लेते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।
अब बात करते हैं दोस्तों मित्रों की। तो मित्र तो बड़े शरारती भी होते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी कोई ऐसी सलाह दे देते हैं जिससे कि आपका नुकसान भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए, कुछ अच्छी सलाहों की ओर आप ध्यान दीजिए, पुरानी बेकार सी सलाह पर ध्यान ना दें। मित्र सभी इसके सही होते हैं, अच्छे होते हैं, पर कभी कभी शरारतवश आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार की आपने सलाह मांगी है और किस प्रकार के आपको वो सलाह दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपके धन लाभ की। मेन बात तो यही है, सारी दुनिया का, जगत का सार तो यही है भैया कि बाप ना भैया, पैसा इज रुपया। यानी कोई कुछ हो या ना हो, पैसा ही सब कुछ है, माया ही सब कुछ है। तो दोस्तों धन के लिए ये समय बहुत ही उत्तम हो रहा है। दोस्तों धन को आपने प्राप्त करना ही करना है, आपको कोई नहीं रोक सकता नवंबर में। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है, ओम लक्ष्माय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम महालक्ष्माय नमः का आपने जाप कर लेना है। दोस्तों जहाँ पर आपको 100 रुपये की बढ़ोतरी हो रही होगी, वहाँ पर आपको 200 रुपये प्राप्त होने लग जाएंगे सिर्फ इस मंत्र के कर देने से। तो दोस्तों मैंने आपको उपाय बताया, धन की प्राप्ति के लिए ये समय उत्तम है। नौकरी पेशा वाले के लिए ये प्रमोशन का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि वो इस समय प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं या पुराना प्रमोशन किसी कारण से रुका हुआ है, तो यदि उसके बारे में वे सोचेंगे तो उनको अवश्य ही प्रमोशन वगैरह भी प्राप्त होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं आपके शुभ दिन के लिए। तो 1, 7, 12, 15 ये आपके लिए शुभ दिन होने वाले हैं। अशुभ दिन आपके लिए, अशुभ का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि सब कुछ बिगड़ ही जाना है, पर हाँ औसत से खराब रहने वाले दिन को हम कह सकते हैं अशुभ दिन। जैसे कि आपके मन की बात पूरी ना हो या किसी कारण से आपकी कामों में रुकावट आ जाए, तो उसे हम अशुभ दिन मान लेते हैं। तो अशुभ दिन आपके लिए रहने वाले हैं 17, 25, 28, ये आपके लिए थोड़े अशुभ रहने वाले हैं। तो इन पर आपने थोड़ा सा ध्यान देखना है, काम करना है, और मैंने बताए हुए मंत्रों को आपने जाप करना है, सब कुछ आपका अच्छा अच्छा होने लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपके मूल स्वभाव की। इस समय पर जो स्वभाव आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य में हो सकता है पेट से संबंधित आपको दिक्कतें आएँ, तो जिस कारण से आप थोड़े चिड़चिड़े और उदास से रहेंगे। परंतु ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन को लगा के कीजिए काम, जरूर सफलता प्राप्त होगी, स्वभाव की चिड़चिड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब आपके बात कर लेते हैं रंग की। तो ये महीना आपके लिए डार्क ब्लू कलर अगर आप ज़्यादा उपयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप येलो रंग भी उपयोग में लाते हैं तो और अच्छा रहने वाला है। और रेड कलर का आपने रुमाल अपने जेब में रखना है, स्त्री चाहें तो अपने रुमाल को अपने बटवे या पर्स में रख कर वो चलें तो उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी लाभ पहुँचे। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि मैं आपको जवाब दूंगा आपके कमेंटों का मैं संडे वाले एडिशन में। तो संडे नाम से जो भी चैनल पर आपको वीडियो मिलेंगे वो मैं आपको उसके अंदर सभी कमेंटों का जवाब दूंगा, क्योंकि ऐसे अलग अलग कमेंटों का जवाब देने में बहुत समय लगता है दोस्तों। तो मैं सार्वजनिक ना करते हुए किसी का नाम खोलते हुए बस इतना जरूर बता दूंगा कि फला शहर से एक बंदे ने मुझे किया है, उनका नाम ये है, तो उनकी क्या परेशानी है वो मैं बता दूंगा। और अगर कोई नहीं चाहता कि उनका नाम लिया जाए तो वो भी वो कमेंट में लिख दें, जिससे कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो मेरे प्यारे मित्रों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं आपका दोस्त मनीष, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय माता।